नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रवि इलेक्ट्रिकल, यानी हाउस वायरिंग और स्विच बोर्ड कनेक्शन। तो दोस्तों, इस चैनल पे इलेक्ट्रिक से संबंधित जानकारी आपको मिलती है। और आज का वीडियो है हमारा स्विच बोर्ड कनेक्शन है, जिसमें कि दो स्विच, एक इंडिकेटर और एक टू पिन सॉकेट है, और साथ में ड्राइंग भी है। तो ड्राइंग के साथ में हम कनेक्शन करेंगे इस बोर्ड का, तो इसी टॉपिक पे वीडियो है हमारा। तो सबसे पहले, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लीजिए, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलती रहे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं, ये है हमारे पास स्विच बोर्ड, और इसमें दो स्विच और एक इंडिकेटर और एक ये टू पिन सॉकेट है। तो ये देख सकते हैं, दो स्विच, एक इंडिकेटर और एक टू पिन सॉकेट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी का कनेक्शन सीखेंगे, इसका कनेक्शन कैसे होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमने सबसे पहले हमने इसको इसका जो ड्राइंग है वो ड्राइंग हमने बना लिया है, और ऊपर में लिख भी दिए हैं, दो स्विच, एक इंडिकेटर, एक टू पिन सॉकेट, और इसी का वायरिंग हम करेंगे। तो ये देख लीजिए, एक स्विच, ठीक इसके नीचे स्विच है, एक और ये दो, एक दो, और ये इंडिकेटर है, तो ये इंडिकेटर भी बना दिया है, और ये हमारा टू पिन सॉकेट है। तो चलिए इसका ड्राइंग से भी कनेक्शन करेंगे और बोर्ड से भी करेंगे प्रैक्टिकली। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें फेस का कनेक्शन कर देते हैं। तो दोस्तों, फेस का कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि स्विच का नीचे वाला पॉइंट है और ये इंडिकेटर का, तो एक दो तीन, इस तीनों पॉइंट को हम आपस में मिला देंगे इस तरह से, और यहीं से एक बार हम बाहर ले लेंगे। तो ये हुआ हमारा मेन पावर, ठीक है, ये मेन पावर हो जाएगा। और स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से हम टू पिन सॉकेट का एक पॉइंट कोई भी मिला देंगे, और स्विच का ऊपर वाला पॉइंट और टू पिन सॉकेट का एक पॉइंट, चलिए तो इसको हम मिला दिए। और इसमें इंडिकेटर हमारा डायरेक्ट जलेगा, जैसे कि पावर सप्लाई जब आएगी तो हमारा इंडिकेटर जलता रहेगा, तो इसे स्विच से हमें नहीं करना है इंडिकेटर को इसको। तो चलिए अब इसमें हम बोर्ड में कनेक्शन करते हैं। ये हमारा फेस का कनेक्शन जो है वो हमारा ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। और एक स्विच हम यूज करेंगे इसका बाहर आउटपुट के लिए, यानी कि बाहर लाइट पॉइंट के लिए, या कुछ भी पॉइंट हो सकता है, तो उसके लिए हम बाहर के लिए यूज करेंगे इस स्विच को। तो चलिए पहले इतना कनेक्शन कर लेते हैं, तो फिर उसका कनेक्शन हम करेंगे। तो सबसे पहले रेड कलर की वायर लिए, कलर कुछ भी हो सकता है, और हम पतला वायर लिए हैं, तो हमें आपको सिर्फ दिखाना है और सिखाना है, तो इसलिए हम पतले वायर से कनेक्शन कर रहे हैं। और आपको कनेक्शन करना है तो आप 1 mm या 1.5 mm की वायर से कनेक्शन करिएगा, ठीक है। तो चलिए इस तरह से इसे हम टाइट कर लेंगे, तीनों पॉइंट को मिला दिए जैसा कि ड्राइंग में मिलाए हैं, और ये हमारा कनेक्शन हो गया, इसको हम टाइट कर दिए, ठीक है। अब हमें एक पॉइंट सॉकेट का स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से मिलाना होगा, तो स्विच का ऊपर वाला पॉइंट है और टू पिन सॉकेट का हम एक पॉइंट मिला देंगे इस तरह से। तो ये हमारा जो है टू पिन सॉकेट का फेस का कनेक्शन हो गया। और अब हमें देना है न्यूट्रल, ठीक है। तो न्यूट्रल के लिए हमें यहाँ भी न्यूट्रल देना है और यहाँ भी न्यूट्रल देना है, तो यहाँ से देंगे तो अच्छा रहेगा, यहाँ से इसको खोल देते हैं, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रल दोनों को देना है। तो इसे हम नीचे वाले इस पॉइंट में लगा देते हैं, चलिए निकलिए, कोई बात नहीं, इसे हम टाइट कर देते हैं यहाँ पर। ये जो है कनेक्शन इसका हो गया फेस का, और हमें इन दोनों को न्यूट्रल देना है, तो इन दोनों को हम न्यूट्रल दे देते हैं यहाँ से,
और इसे हम टाइट कर देते हैं एक को। और इसे अभी हम टाइट नहीं करेंगे क्योंकि हम एक आउटपुट बाहर लेना है। तो ये देखिए, ये हमारा एक वायर है जो कि हम लाइट पॉइंट के लिए बाहर से लेंगे। तो इसमें समझ लीजिए हमारा ये ब्लू वाला फेस हो जाएगा और ये ब्लैक वाला न्यूट्रल हो जाएगा। तो न्यूट्रल को हम न्यूट्रल के साथ में जोड़ देंगे, ठीक है। तो न्यूट्रल को हम इस न्यूट्रल के साथ में लगा देते हैं यहाँ पे। चलिए, न्यूट्रल को न्यूट्रल के साथ में लगा दिए। और अब हमारा ये फेस है ब्लू वाला, तो इसको हम स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पे लगा देंगे यहाँ पे। तो दोस्तों, ये बोर्ड का कनेक्शन देखिए कंप्लीट हो गया। और अब हम इसमें भी ड्राइंग में भी कनेक्शन कर देते हैं। तो देखिए, ये हम न्यूट्रल दे दिए हैं, तो इसमें भी हम ऊपर से मिला दिए हैं, तो कोई बात नहीं। हम यहाँ पे ड्राइंग में यहाँ से दे देते हैं न्यूट्रल, और हमें एक न्यूट्रल बाहर देना है इस वायर के लिए, ये जो वायर है। तो इसे हम बाहर लेके चले जाएंगे एक न्यूट्रल यहीं से। तो देख लीजिए, इंडिकेटर से लिए हैं न्यूट्रल एक बाहर, ये वाला इंडिकेटर से ही लिए हैं ब्लैक वाला न्यूट्रल। तो ब्लू वाला न्यूट्रल हम यहाँ से ले लिए बाहर, ठीक है। और अब हमें इसी वायर का फेस देना है, तो इस वायर का फेस हम देंगे। तो ये मान लीजिए हमारा वायर है, और इसको हमें यहाँ से फेस देना है इस स्विच से। तो देखिए, इस स्विच से हम इसे फेस दे दिए हैं, तो ये हमारा बाहर निकल गया। और ये हमारा मेन पावर सप्लाई है, एक न्यूट्रल और एक फेस। तो ब्लैक वाला न्यूट्रल है और रेड वाला फेस है। तो दोस्तों, इसी तरह से इसका कनेक्शन होना है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलती रहे। हमारे चैनल से ऐसी जानकारी आपको हमेशा मिलती रहती है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।